गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मे और मैं का प्रयोग। तुम अक्सर हिंदी भाषा में इन शब्दों को देखते हो। कई बार ऐसा भी होता है मे की जगह मैं लिख देते हो और मैं की जगह मे लिख देते हो। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों शब्दों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मे और मैं का सही प्रयोग कहाँ होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं का प्रयोग अपने लिए होता है। जब हम अपने बारे में कुछ कहते हैं तब हम मैं शब्द लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में आई कहते हैं। और मैं के साथ कई बार वाक्य में हूँ का प्रयोग किया जाता है। मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं नींद से जाग उठी। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है बेटा, जो वाक्य वर्तमान काल का होता है, जो समय चल रहा होता है उसका होता है, उस वाक्य के आखिर में हूँ का प्रयोग किया जाता है। और जो वाक्य बीते समय का होता है, यानी कि भूतकाल का होता है या फिर आने वाले काल का होता है, उसमें हूँ का प्रयोग नहीं करता। चलिए हम वाक्यों से समझते हैं। अगले वाक्य को देखो। मैं अभी व्यस्त हूँ, तो ये कार्य अभी चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर हूँ लगा है। इससे अगले वाक्य को देखिए। मैं कल मुंबई जाऊँगा, तो ये काम आज तो नहीं हुआ ना, ये काम तो कल होगा, यानी ये भविष्य काल का है तो इसलिए हम यहाँ पर हूँ का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम किसी के अंदर की बात करते हैं तब हम मे लगाते हैं, यानी मे का प्रयोग अंदर के लिए होता है, अंदर की बात जानने के लिए होता है। ये अंदर किसी व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है, किसी स्थान विशेष की भी बात हो सकती है या किसी वस्तु विशेष के अंदर की भी बात हो सकती है। चलिए वाक्यों से समझते हैं। बोतल में पानी भरा है। यहाँ पानी कहाँ है? बोतल में है, अंदर की बात है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? इंद्रधनुष के अंदर की बात कर रहे हैं। इस झील में कई मछलियाँ हैं, तो झील के अंदर की बात हो रही है। मेरा घर आगरा में है, तो मेरा घर कहाँ है? आगरा शहर के अंदर है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, तो हम दिल्ली की विशेषता बता रहे हैं ना कि दिल्ली में ये खास बात है, तो यहाँ भी मैं का प्रयोग किया गया है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा। मकान - 4 खिड़कियां हैं - रोज विद्यालय जाता हूं। बताओ इसमें क्या आएगा। मकान में 4 खिड़कियां हैं, मकान के अंदर की बात है। जाता हूं, इसे पहचानो, यहां पर कौन सा आएगा? मैं। गांव - मेला लगा था, - बस में बैठा हूँ। बताओ इसमें क्या आएगा, वाक्य से पहचानो। गांव में मेला लगा था, गांव की बात हो रही है। बैठा हूँ, तो क्या आएगा? शाबाश, यानी कि मैं। पौधों - भी प्राण होते हैं, यानी कि जान होती है। - अपनी बहन के साथ जाऊंगा। बताओ, पहचानो क्या आएगा। पौधों में प्राण होते हैं, अंदर की बात है तो मे लगेगा पहले में। जाऊंगा, तो इसमें क्या आएगा? मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा। तो यहां से हमने क्रिया से भी पहचान लिया कि क्या आएगा। एक और अभ्यास करते हैं। यहाँ पर भी आपने मे और मैं को भरना है। पढ़ते हैं वाक्य। - दिल्ली नगर निगम विद्यालय - पढ़ती हूँ, तो पहले में क्या आएगा? देखो, पढ़ती हूँ है तो हम वाक्य की शुरुआत करेंगे मैं से। मैं दिल्ली नगर निगम विद्यालय, उसके बाद कौन सा आएगा? मैं पढ़ती हूँ।
अब देखो यहाँ भी पढ़ती हूँ है, तो हम वाक्य का आरंभ मैं से करेंगे। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। हूँ पर आ रहा है वाक्य, तो हम मैं से आरंभ करेंगे। मैं अपना कार्य समय पर करती हूँ। डैश कक्षा डैश सबकी सहायता करती हूँ। मैं, देखो मैं जो है ये सर्वनाम है, ठीक है, और ये वाक्य के आरंभ में आता है। मैं कक्षा, उसके बाद आएगा मैं, सबकी सहायता करती हूँ। मैं, वाक्य का आरंभ मैं से हो रहा है। मैं फुटबॉल खेलने में रुचि रखती हूँ। मैं नहीं आएगा इसमें, मैं सबकी प्रिय हूँ। हूँ से भी आप पहचान सकते हैं कि वाक्य किस से आरंभ होगा। तो चलिए ये अभ्यास तो आपको अच्छी तरह से आ गया। बढ़ते हैं आखिरी अभ्यास की ओर। इसे भी आपने मैं और मैं से भरना है। एक दिन डैश अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? मैं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने गया। सर्कस डैश तरह तरह के करतब देखकर डैश हैरान रह गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? ध्यान से वाक्य को पढ़ना है। सर्कस में, मैं नहीं आएगा इसमें, सर्कस में तरह तरह के करतब देखकर मैं हैरान रह गया। हैरान मतलब अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। शेर पिंजरे में बंद था, में अंदर की पोजीशन। जोकर को देखकर मैं और मेरे साथी खूब हंसे। बंदर हवा में कलाबाजियां खा रहा था। तो बच्चों आशा करती हूँ अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि वाक्य में कहाँ पर मैं लगाना है और कहाँ पर मैं लगाना है। इस वीडियो में आए हुए सभी वाक्यों को अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना। मिलेंगे अगली वीडियो में।